डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज इी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज फॉर क्लास सेवन बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर नाइनटीन पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अयुबरा और आज हमने पढ़ना है आगे तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों तो हमने पढ़ा था दैट ड्यूरिंग 1969 टू 71 अय्यूब खान रिजाइन ड्यू टू पुअर हेल्थ गवर्नमेंट टू याया खान यानी कि अय्यूब खान रिजाइन उसने इस्तीफा दे दिया ड्यू टू पुअर हेल्थ अपनी खराब तबीयत की वजह से और उसकी जगह आ गया याया खान

आम आवाम के पास यानी कि लोगों के पास कौन कौन से राइट्स हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो इन सब को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो याया खान ने अपने लोगों से ये वादा किया कि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएगा और इलेक्शंस करवाएगा ही एबॉलिश्ड वन यूनिट एबोलिश का क्या मतलब होता है एबोलिश का मतलब होता है खत्म कर देना

कि चारों सूबों को वन यूनिट बनाया जाए लेकिन जब यहाया खान आया तो उसने ये वन यूनिट वाला सिस्टम खत्म कर दिया क्योंकि इस वन यूनिट के सिस्टम से बहुत से लोग खुश नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे गिव वन मैन वन वोट राइट टू बोथ विंग्स ऑफ कंट्री अब याया खान ने क्या किया कि उसने वन यूनिट वाला सिस्टम खत्म कर दिया और उसने वन मैन वन वोट यानी कि हर बंदे का अपना एक बोर्ड ये सिस्टम वो ले आया इन कंपैरिजन टू वन यूनिट सिस्टम यानी कि अब जो हमारे दो विंग्स थे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस पाकिस्तान में आज हम रह रहे हैं दैट इज द वेस्ट विंग और बंगलादेश जो कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा था दैट वॉज द ईस्ट विंग तो वन मैन वन वोट का मतलब ये होगा कि वेस्ट विंग और ईस्ट विंग के लोग वोट करेंगे और बच्चों आपने ये भी याद रखना है कि उस वक्त बांग्लादेश की जो आबादी थी वो हमारे वेस्ट विंग की आबादी से काफी ज्यादा थी वन वोट राइट टू बोथ विंग्स ऑफ कंट्री बोथ विंग्स ऑफ कंट्री मतलब कौन से विंग्स ईस्ट एंड वेस्ट विंग्स अगेन मॉडर्न पाकिस्तान इज वेस्ट विंग एंड मॉडर्न बंग्लादेश जो की पहले पाकिस्तान का हिस्सा था ऑटोमैटिक मेजोरिटी टू ईस्ट पाकिस्तान अब इसका क्या मतलब हुआ मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश की आबादी या चलो हम कह लेते हैं कि ईस्ट विंग की जो आबादी थी वो वेस्ट विंग की आबादी से ज्यादा थी तो इसका क्या मतलब हुआ East Wing की ईस्ट विंग के वोट्स ज्यादा बन गए जिसकी वजह से मेजोरिटी चली गई उन लीडर्स को जो ईस्ट विंग से बिलोंग करते थे फॉर योर इंफॉर्मेशन अगेन वेस्ट विंग इज मॉडर्न पाकिस्तान एंड ईस्ट विंग इज मॉडर्न बांग्लादेश बांग्लादेश पहले हमारे मुल्क का हिस्सा था आज वो एक अलग कंट्री है दैट इज अ डिफरेंट इशू In 1970 elections held and the result was predictable. अब 1970 अब में क्या हुआ कि इलेक्शन हुए एंड द रिजल्ट यानी कि जो नतीजा आना था दैट वॉज वेरी मच प्रडिक्ट किसी भी चीज का प्रडिक्टेबल होने का मतलब ये होता है कि आपको पहले से पता होता है कि अब क्या होने वाला है आपको रिजल्ट पहले से पता होते हैं रिजल्ट नतीजे पहले से पता होते हैं तो जब 1970 में इलेक्शंस कराए गए तो लोगों को पहले से पता था कि क्या नतीजा आएगा मुजीबुर रहमान जवामी लीग 160 आउट ऑफ 300 सीट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ईस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान था यानी कि जो मॉडर्न डे बांग्लादेश है लोगों को पता था कि वहां से ज्यादा वोट्स आएंगे और ऐसा ही हुआ शेख मुजीबुर रहमान जो कि बंगलादेश में उस वक़्त एज ए लीडर उभर रहा था इमर्ज कर रहा था वो जीत गया ही वन वन सिक थ्री हंड्रेड सीट्स यानी कि उसको जितनी सीट्स चाहिए थी आपको थ्री हंड्रेड के हाफ या उससे ज्यादा सीट्स चाहिए होती हैं अगर आपने पोजीशन में आना है अथॉरिटी में आना है तो शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी लीग थी जो उसकी पार्टी थी उसने 160 सीट्स ले ली दैट इज मोर देन 150 यानी के 300 के हाफ से भी ज्यादा 10 सीट्स ज्यादा उसको मिल गई तो इसका मतलब ये था कि अब उसको लीडर होना चाहिए था पूरे मुल्क का हुक्मरान होना चाहिए था पूरे पाकिस्तान का भुट्टोस पार्टी सिक्योर्ड 81 सीट्स और मैंने आपको पहले बताया था कि भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान ये दो लीडर से जो इमर्ज हो रहे थे भुट्टो वॉज इमर्जिंग एज लीडर मतलब ही वॉज कमिंग एज रूलर वो हुक्मरान के तौर पे इमर्ज हो रहा था उभर रहा था इन द वेस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान यानी कि मॉडर्न डे पाकिस्तान और शेख मुजीबुर रहमान एज लीडर इमर्ज हो रहा था इन द ईस्ट विंग ऑफ पाकिस्तान यानी कि मॉडर्न डे बांग्लादेश तो भुट्टो की जो पार्टी थी दैट इज पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी उसने कितनी सीट्स ली 81 सीट्स सिक्योर्ड का मतलब होता है लेना सिक्योर करना हासिल करना तो उनको कितनी सीट्स मिली 81 सीट्स 81 इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 160 160 ज्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जीता कौन शेख मुजीबुर रहमान मुजीबुर रहमान क्लेम्ड प्राइम मिनिस्टरशिप अब क्योंकि मुजीबुर रहमान ने ज्यादा सीट्स जीती थी इसलिए ही क्लेम्ड प्राइम मिनिस्टरशिप क्लेम करने का क्या मतलब होता है क्लेम करने का मतलब होता है कि आप ये कहते हो कि ये चीज़ मेरी है या मेरा इस पर इख्तियार है इस चीज़ को हम कहते हैं क्लेम करना तो शेख मुजीबुर रहमान ने जब ज्यादा सीट्स जीती तो उसने कहा कि अब मुझे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए याया खान भुट्टो एंड रहमान कुड़ नॉट रीच एन एग्रीमेंट लेकिन याया खान भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान एक एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच सके किसी एक बात पर आमादा नहीं हो सके इसकी क्या वजह थी इसकी वजह यह थी कि भुट्टो ने कहा कि क्योंकि वन मैन वन वोट का राइट दिया गया था और क्योंकि ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में आबादी ज़्यादा है लोग ज्यादा हैं इस वजह से शेख मुजीबुर रहमान ज्यादा सीट्स ले गया है और इस वजह से उसने कहा कि मैंने इस बात को नहीं मानना भुट्टो ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो याया या खान भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान किसी एक बात पर आमादा नहीं हो सके सिविल वॉर ब्रोक आउट इन 1971. अब इस लड़ाई झगड़े के नतीजे में ये हुआ कि मुल्क में एक जंग शुरू हो गई सिविल वॉर शुरू हो गई इन 1971. सेवनटी वन चिल्ड्रन प्लीज टेक केयर ऑफ डेट्स दे आर वेरी इम्पोर्टेंट दिस रिजल्टेड इन ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान. इस सब के नतीजे में क्या हुआ इस सब के नतीजे में यह हुआ कि हमारे मुल्क का जो ईस्ट विंग था मॉडर्न डे बांग्लादेश जो कि पहले हमारे मुल्क का हिस्सा था वो हमसे अलग हो गया मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि ऑलरेडी हमारे ईस्ट विंग के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो चाहते थे कि बंगाली को कौमी जबान बनाया जाए जबकि जो वेस्ट विंग के लोग थे वो चाहते थे कि उर्दू को कौमी जबान बनाया जाए बंगाली चाहते थे कि उन्हें आर्मी में भी ज्यादा सीट्स जीत जाए इसके अलावा उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स भी ज्यादा दी जाए जबकि वेस्ट विंग के लोग ऐसा नहीं चाहते थे ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे थे तो फिर जब सिविल वॉर शुरू हो गई इन 1971 तो उसके नतीजे में बिल आखिर हमारा जो ईस्ट विंग है जो मॉडर्न डे बांग्लादेश है वो हमसे अलग हो गया अब उसके अलग होने में इंडिया का भी हाथ था विद इंडियास हेल्प क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश ऑन 16 दिसंबर 1971 इंडिया ने इस पूरी सिचुएशन का बहुत ज्यादा फायदा उठाया ऑलरेडी इंडिया को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि हम लोग एक अलग मुल्क बना चुके थे पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन चुका था क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान इंडिया का ही हिस्सा बन के रहता और अलग से एक नेशन ना होती अलग से एक मुल्क ना होता उन्हें ये बात ऑलरेडी बहुत खटक रही थी तो उन्होंने जब ये देखा कि हमारे मुल्क की हालात ठीक नहीं चल रहे और हमारे जो ईस्ट और वेस्ट विंग्स हैं उनमें झगड़े चल रहे हैं तो उन्होंने इस बात का और इस मौके का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया उन्होंने लड़ाई बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया उन्होंने बांग्लादेश के लोगों के दिलों में वेस्ट विंग के लोगों को लेकर बहुत सी नफरतें डाल दी जिसकी वजह से झगड़ा बढ़ गया और फाइनली ऑन 16 दिसंबर 1971 हमारे मुल्क का जो ईस्ट है जो मॉडर्न जे बांग्लादेश है वो हमसे अलग हो गया बच्चों इस दिन को हमारी हिस्ट्री का ब्लैक डे कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा सहिया था कि हमारे मुल्क का एक बड़ा हिस्सा हमसे अलग हो गया था अगर आपको याद हो तो 16 दिसंबर को ही एपीएस पिशावर पे भी अटैक हुआ था टेररिस्ट का तो यानी कि ये एक ऐसा दिन है जो भुलाया नहीं जा सकता हमारे मुल्क की हिस्ट्री में ये एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत बड़े बड़े सानिए हुए याहिया खान वॉज फोर्स टू रिजाइन एंड भुट्टो लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेसिडेंट तो इस सानिया के बाद क्या हुआ कि याया खान से इस्तीफा मांगा गया he was फोर्स टू रिजाइन यानी कि इस बात पर उसे मजबूर किया गया कि वो कर दे। एंड भुट्टो बिकेम मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और जुल्फिकार अली भुट्टो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया मार्शल लॉ का मतलब मैंने आपको बताया था मार्शल लॉ लगने का मतलब ये होता है कि कोई भी मुल्क उस मुल्क की आर्मी कंट्रोल करने लग जाती है यानी कि जितना भी मुल्क में निज़ाम चल रहा होता है वो सब आर्मी के अंडर आ जाता है तो याहिया खान के रिज़ाइन करने के बाद भुट्टो बन गया मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर हम कहते हैं जो सब कुछ मैनेज करता है जो एडमिनिस्टर करता है एंड प्रेसिडेंट एंड भुट्टो प्रेसिडेंट भी बन गया यानी कि सदर भी बन गया

डिवाइड किया जा सकता है भोटो इरा जो कि थी 1972 से 1977 तक। अब का क्या मतलब होता है इरा हम कहते हैं किसी भी टाइम स्पेन को कुछ अरसे को जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था ना कि अयूब इरा तो मतलब जब अयूब हुकूमत कर रहा था तो भुट्टो इरा मतलब जब भुट्टो की फ्रॉम 1972 टू उसके बाद आ गई ज़ियाउल हक़ेरा वो थी फ्रॉम नाइनटीन सेवन टू नाइन एट और फिर रीचिंग फॉर डेमोक्रेसी उसके बाद जमूरीत के लिए काम होना शुरू हो गया डेमोक्रेसी इज़ इजूरियत बेनजीर भुट्टो नवाज शरीफ नाइनटीन एटी एट टू नाइनटी नाइन और इस दौरान किन की हकूमत रही बेनज़ीर भुट्टो की जो कि जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी थी एंड नवाज शरीफ तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है आपने डेट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है और आपने याद रखना है कि किस इवेंट के बाद क्या हुआ था आपने ये पूरा सीक्वेंस याद रखना है क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स याद रखना सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी होता है अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा a laugh